जब हम कथा सुनते हैं ना तो भगवान का चरित्र हमारे सामने एक मॉडल होता है, एक आदर्श होता है, जिनके जीवन की घटनाओं को सुन सुन करके और हम उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। पर फिर भी जानने के लिए संक्षेप में या विस्तार में जब कथा शुरू हो तो हमारा धर्म है कि हम आपको बताएं। हम जो आपको कथा सुनाएंगे वो कथा तो होगी राम जी की, लेकिन उस कथा का जो कथानक आधार है वो है श्री रामचरितमानस। और जब रामचरितमानस की बात करते हैं तो एक प्रश्न उठता है कि ये कहां से आया, किसने लिखा। आप सबको पता है बाबा तुलसीदास जी महाराज ने इसको लिपिबद्ध किया, शब्दों में ढाला। पर जब लिपिबद्ध किया ना तो उसमें लिखा कि ये मैं लिख तो जरूर रहा हूं लेकिन मेरे लेखनी के सामर्थ्य से ये नहीं लिखी जा रही है, ये भगवान शिव के अपार कृपा से इसका लिपि में ढलना हो पा रहा है। अच्छा, लेखक को जान गए तो उसके जीवनी को थोड़ा जानना चाहेंगे ना, ये तुलसीदास जी हैं कौन। बहुत बड़े प्रेमी हैं, इतने अच्छे प्रेमी हैं कि इनके जैसा पति किसी स्त्री को मिल जाए ना तो अपने जीवन में ही वो स्वर्ग का अनुभव करेगी। बहुत प्रेम करते हैं। अब उदाहरण के तौर पर एक घटना हम देखते हैं, बिन बताए रत्नावली ना अपने नैहर चली जाती हैं मायके। घर में आती है, दरवाजा देखते हैं बंद है, ताला वाला का उस समय आविष्कार नहीं हुआ था और लोग इतने गंदे भी नहीं थे। आजकल तो ताला तोड़ करके चीजें चुरा ले जाते हैं। कितने लोग डर भी रहे होंगे कि हम यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं, कोई घर साफ ना कर दे। आपके गांव में किसी की हिम्मत नहीं है, ठाकुर लोगों के गांव में कोई नहीं छेड़ सकता, आप निश्चिंत रहिए। तो दरवाजा बंद था, उन्हें आभास तो हो गया कि घर में हमारी धर्म पत्नी नहीं है। आजू बाजू पूछे, अरे रत्ना, ओ रत्ना, अरे ओ रत्ना को देखा है क्या, मेरी घरवाली का कुछ पता है, दिखाई नहीं दे रही है, एक घंटा से ढूंढ रहा हूं। तब तक कोई बताया कि अरे बाबा आपको नहीं मालूम है, वो तो अपने मायके गई है। इतनी में ना अंधेरा हो जाता है और इतना प्रेम करते हैं ना कि एक रात की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है, उसी रात को ससुराल निकल जाते हैं। कहते हैं जो उनका गांव था ना ससुराल वाला, रत्ना का जो गांव था वो नदी के किनारे था, बाढ़ आई थी, नदी उफान पर थी, पार कैसे जाए, रात को नाविक उनके लिए बैठा थोड़े ना था। तो बाबा नदी में घुसे और कहते हैं कि एक लाश को लकड़ी का बोटा समझ करके पकड़ लिए, और लाश कभी डूबती नहीं आपको पता होना चाहिए, उसी के सारे पार हो गए। पार होके घर के पास पहुंचे, दरवाजा बंद। अब रात को 1-2 बजे कोई आपके दरवाजे पे आया तो कितनी बदनामी होगी ना। आजकल का तो जमाना बहुत आगे है, फोन से बता देंगे कि हम आने वाले हैं, दरवाजा खोल के रखना, खाली फाटक चिपकाना। उस समय व्यवस्था नहीं था। अब शोर लगाए, शोर करें तो हल्ला हो जाए गांव में, बेइज्जती हो जाएगी। फिर क्या हुआ, आजू बाजू देख रहे हैं तो एक रस्सी दिख रही है, अब उसी को पकड़ के चढ़ गए। और बाद में जब ऊपर पहुंचे ना तो हमको दिखा कि तो बहुत बड़ा सांप है।
छत पर चढ़ के, ससुराल है तो आना जाना तो लगा ही रहता है, तो उनको मालूम था कि मेरी जो श्रीमती जी का कमरा है ना वो ऊपर वाला है। तो छत पर पहुंच करके आवाज लगाते हैं, हे रत्ना रत्ना सुनो सुनो सुनो, हे रत्ना अरे सो गई हो क्या, दो तीन बार आवाज दी, आवाज नहीं आया। फिर सुनती क्यों नहीं हूं, आंख मीजते हुए रत्ना जो है दरवाजा खोलती है और जैसे देखती है ना उसको शॉक लगता है, बहुत उदास हो जाती है। कहती है कि आपको इस समय आने की क्या जरूरत थी, और घर के अंदर प्रवेश करने को आमंत्रित भी नहीं करती है। तुलसीदास जी खुद ही चले जाते हैं अंदर और जाके चारपाई पर बैठ जाते हैं। पूछते तुम नाराज हो, कहती नाराज हम आपसे हो नहीं सकते, हैं भी नहीं, लेकिन आप बताइए इस समय आना आपको शोभा देता है। और एक बहुत प्यारी चौपाई दोहा कहती है, अस्थि चर्म मैं देहा तापर ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम महा अवसि मिटहि। इसका मतलब ये है कि हे स्वामी आप हमसे प्रेम करते हैं ना, सच तो ये है कि आप हमसे नहीं करते हैं, हमारा जो हार्ड मांस का पुतला है ना इससे प्रेम करते हैं। इंसान से इंसान का प्रेम बुरा नहीं होता, अच्छा होता है, लेकिन इंसान का भगवान के साथ भी प्रेम होना चाहिए। रत्ना कहती जितना प्रेम आप हमसे कर रहे हैं ना, अगर इतने प्रेम भगवान से करते ना तो जीवन की मरण जन्म के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्ति हो जाती। और जैसे ही रत्ना ये बात कहती है ना, तुलसीदास जी एकदम से उनके भीतर का जो सुप्त ज्ञान था ना वो जागृत हो जाता है। और फिर कहते हैं हाँ रत्ना तुम ठीक कह रही हो, गलत तो हम ही हैं जो उलझे हुए संसार में तुम्हारे पीछे। तुम्हारा बहुत बहुत आभार है कि तुमने मेरे सोए हुए ज्ञान को जगा दिया। ये कह करके तुलसीदास जी उसी समय अपने घर आ जाते हैं और फिर बनारस में जाकर बाबा तुलसीदास खूब भगवान का भजन करते हैं, खूब साधना करते हैं। हनुमान जी की उनको विशेष कृपा प्राप्त होती है और हनुमान जी की कृपा से भगवान श्री राम का उन्हें दर्शन होता है। 84 वर्ष की आयु में तुलसी बाबा ये पवित्र रामचरित मानस का लेखन किए। जीवन का इतना निचोड़ शायद ही किसी ग्रंथ में मिले। एकमात्र ऐसा ये ग्रंथ है ना कि जो भारत वर्ष ही नहीं विदेशों में भी लोग अपने पूजा के मंदिर में रखते हैं, रोज पाठ करते हैं। यूपी बिहार और एमपी की बात करें तो बहुत लोगों को तो इसकी ढेर सारी चौपाई तक याद है।
अम्मा या दादी की बात करें, स्कूल नहीं गई लेकिन मानस पढ़ना उसको आता है ना जादू। आपको अंग्रेजी की किताब दे दे तो आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो दादी स्कूल नहीं गई वो मानस पढ़ना जानती है। बहुत बहुत अनुपम है, इसके जैसा दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। श्री रामचरित मानस अगर नहीं लिखा गया होता ना, तो जो हमारा सनातन धर्म है ना, उसका अस्तित्व तो नहीं बचा होता। आज बताइए संस्कृत जानने वाले कितने लोग हैं? नहीं पता है। इसकी वजह से हम भगवान से जुड़ी प्रत्येक घटना को अपने घर में अपने द्वारा पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। वैसे पवित्र ग्रंथ के लेखन करने वाले महान संत गोस्वामी तुलसीदास बाबा को प्रणाम करते हैं और लगे हाथ आपको बताएं कि मार तो ढेर सारे पति खाते अपनी बीवी के हाथ से, लेकिन सब तुलसी बाबा नहीं बनते। तुलसीदास तभी कोई बनता है जब उसके पूर्व जन्म के कर्म और इस जीवन के ज्ञान खूब प्रबल होते हैं।